हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। वी आर बैक विद आर डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं 10 और 11 मई के करंट अफेयर्स क्या है। बट उससे पहले कल मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 10 मई को हमारी जो स्टैटिक जीके की क्लास थी उसमें हमने बिहार को कवर किया था। ये हमारी पहली स्टेट वाइज क्लास थी। एंड नेक्स्ट संडे यानी कि 17 तारीख को हम यूपी को कवर करेंगे। आई होप टू सी यू ऑन नेक्स्ट संडे एज वेल। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एम्बिशियस बाबा में जाके उसका वीडियो ज़रूर देखें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा या फिर ई तमिलनाडु। चलिए वेट करते हैं 5 सेकंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। चलिए 5 सेकंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी उत्तर प्रदेश। यस, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं 8 मई को उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्र ऐप। इसमें जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं यूपी में उन्हें न सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि इससे उनके हुनर के थ्रू गवर्नमेंट उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी और उनके हेल्थ को यानी कि उनके स्वास्थ्य को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। तो चलिए कुछ ऐप्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉन्च की हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके। तो वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है संधन ऐप, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महाकवच ऐप, गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टेस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप, केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जियो के डायरेक्ट ऐप, पुडुचेरी ने लॉन्च किया है नाड़ी ऐप, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है रक्षा सर्वा ऐप और नागालैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप। तो इसके साथ बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, विच बैंक हैज डिसबर्स 12,767 करोड़ टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स टू एक्सटेंड क्रेडिट टू फार्मर्स। किस बैंक ने किसानों को ऋण देने के लिए राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए दिए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सी नेशनल हाउसिंग बैंक, डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या फिर ई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यस, उन्होंने कहा कि 6 मई को उन्होंने रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर के तहत 12,767 करोड़ रुपए जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको दिए हैं ताकि वो जो किसान हैं उनकी मदद कर सके और कोई भी किसान को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। तो चलिए जानते हैं, एट प्रेजेंट इंडिया में 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 45 रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर के। तो चलिए नाबार्ड के बारे में जाना जाए। नाबार्ड की खोज हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई और इनके जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है हर्ष कुमार भनवाल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, हु इज सेट टू सर्व हिज सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ मार्लीब्रोन क्रिकेट क्लब। मार्लीब्रोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए कौन तैयार है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए सौरव गांगुली, बी शशांक मनोहर, सी मनु सोहने, डी कुमार संगकारा या फिर ई स्टुअर्ट फॉक्स। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी कुमार संगकारा। यस, ये फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं श्रीलंका टीम के
और ये अपना दूसरा यानी कि सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ द मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब। नॉर्मली ये जो टर्म है वो 12 महीने का होता है। लास्ट ईयर उनका टर्म 1 अक्टूबर से स्टार्ट था और इस साल भी वो दोबारा ये टर्म रिन्यू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई या मैंने स्किप कर दिया कि वो पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट हैं उस क्लब के। इससे पहले जितने भी थे वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे, ये पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट हैं एमसीसी के। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रपोज्ड अमाउंट फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन टारगेट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 10 लाख करोड़, बी 15 लाख करोड़, सी 20 लाख करोड़, डी 25 लाख करोड़ या फिर ई 30 लाख करोड़। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। तो चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी 15 लाख करोड़। यस, नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है वो 15 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे अगले 2 साल में हाईवेज बनाने में। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कोविड-19 है इसका इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बहुत बड़ा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बिजनेस में जितनी भी लिक्विडिटी रहे उतना बेहतर है, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो इसीलिए लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दी ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, 5th क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज स्टेक ऑफ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म हैज बीन बॉट बाय विस्टा इक्विटी पार्टनर्स फॉर 11,367 करोड़। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 11,367 करोड़ रुपए में खरीदी है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 5.16%, बी 1.15%, सी 0.99%, डी 2.32% या फिर ई 9.99%। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। तो चलिए 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी 2.32%। यस, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, वो 11,367 करोड़ रुपए दे के जियो प्लेटफॉर्म्स को, उसमें 2.32% हिस्सेदारी खरीदेगा फ्रॉम जियो। ये तीसरी डील है, मतलब एक महीने में जियो प्लेटफॉर्म्स ने 3 डील साइन कर ली। पहला उनका था फेसबुक का, जिसमें उन्होंने 9.99% भागीदारी फेसबुक को दी। ये डील हुई थी 22 अप्रैल को, जिसमें 5.7 बिलियन डॉलर्स का निवेश हुआ था। दूसरी डील हुई थी सिल्वर लेक के साथ, जिसमें 5,655.75 करोड़ की डील हुई थी, जिसमें 1.15% स्टेक उन्होंने सिल्वर लेक को दिया था। और ये अब तीसरी डील हुई है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के साथ, जिसमें रिलायंस जियो 2.32% स्टेक देंगे। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन। विच कंपनी हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन ऑफ 37 एयरफील्ड्स। 37 हवाई अड्डों पर इंफ्रा आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए टाटा पावर SED, बी रॉकवेल कॉलिंस, सी अडानी पावर, डी रिलायंस पावर या फिर ई भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके
ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए टाटा पावर SED। यस, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उन्होंने फ्राइडे को 8 मई को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टाटा पावर SED के साथ, जिसमें 37 हवाई अड्डों को मॉडर्नाइजेशन करने की बात हुई है। इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो होगा वो लगभग 1200 करोड़ होगा, और ये दूसरा फेज है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी उनके हवाई अड्डे अपग्रेड हो गए हैं, और ये जो सेकेंड फेज है इसमें इंडियन एयरफोर्स, जो कोस्ट गार्ड है और जो हमारी नेवी के अड्डे हैं वो सब मॉडर्नाइज होंगे। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप जयंती इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द 13th राजपूत किंग ऑफ मेवाड़, महाराणा प्रताप सिंह वन, मेवाड़ के 13वें राजपूती राजा महाराणा प्रताप सिंह प्रथम के जन्म का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष महाराणा प्रताप जयंती किस दिन मनाई जाती है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए 7 मई, बी 8 मई, सी 9 मई, डी 10 मई, या फिर ई 11 मई। तो चलिए वेट करते 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी 9 मई। हर साल जो मेवाड़ के जो राजा थे, 13वीं राजपूती राजा जिनका नाम था प्रताप सिंह वन और जिसे प्यार से महाराणा प्रताप कहा जाता था, उनके जयंती मनाई जाती है। इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह जी टू और माता का नाम था रानी जयवंता बाई। इन्होंने 1572 में ये राजा बने थे अपने पिताजी के देहांत के बाद। इनका जो सबसे फेमस लड़ाई थी इनके टाइम में वो थी बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो इनके और राजा अकबर के बीच में लड़ी गई थी। इसमें राजा अकबर की जीत हुई थी, इनकी शिकस्त हुई थी, लेकिन जो राजा अकबर है वो इन्हें कभी बंदी नहीं बना पाए। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। विथ विच कंट्री इंडिया इज इन टॉक्स टू साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्पोर्ट कोकिंग कोल टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन स्टील इंडस्ट्री। भारत इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कोकिंग कोल आयात करने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत कर रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, ए रशिया, बी जापान, सी चाइना, डी USA, या फिर ई जर्मनी। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। के 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए रशिया या फिर रूस। जो इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है धर्मेंद्र प्रधान, और जो अलेक्जेंडर नोवक है जो कि रशिया के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने 7 मई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था जिसके थ्रू दोनों देशों में ये बात हो रही है कि वो अपनी भागीदारी बढ़ाएं आपस में। इंडिया रशिया से जो कच्चा तेल है वो इम्पोर्ट करेगी और उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगी, जिसके तहत जो भारतीय स्टील इंडस्ट्री है उसमें जितनी भी कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होगी वो रशिया पूरी करेगी। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इंडियन स्टील इंडस्ट्री में जो कोकिंग कोल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। इससे एक अलग ग्रेड का कोकिंग कोल बनता है जो स्टील फर्नेस में काम आता है। तो अभी राइट नाउ इंडिया कनाडा से इंपोर्ट करती है। फर्स्ट नंबर पे आता है US जो एक्सपोर्ट करता है कोकिंग कोल को, सेकेंड नंबर पे आता है कनाडा और थर्ड नंबर पे आता है रशिया। तो चलिए जानते हैं रशिया के बारे में। और रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। रशिया में जो करेंसी चलती है उसका नाम है रशियन रूबल, और रशिया के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है व्लादिमीर पुटिन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, विच कंपनी हैज अनाउंस दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD अबिदाली Z. नीमुचवाला हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन।
किस कंपनी ने घोषणा की है कि उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक अबिदाली जेड नीमचवाला ने पद छोड़ने का फैसला किया है। 5 ऑप्शन से हमारे पास ए टेक महिंद्रा, बी इंफोसिस, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डी असेंचर या फिर ई विप्रो। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। तो चलिए 5 सेकंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई विप्रो। हाँ, टेक जाइंट विप्रो ने ये अनाउंस किया है कि जो उनके सीईओ है और एमडी अबिदाली जेड नीमचवाला, वो कुछ पारिवारिक और पर्सनल कारण्स के वजह से उन्होंने ये पद छोड़ने का निर्णय लिया है। तो कंपनी अभी दूसरे सीईओ की तलाश में है। जैसे ही दूसरे सीईओ उन्हें मिल जाएंगे, अबिदाली उस समय अपना पद छोड़ देंगे। तब तक अबिदाली विल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस एज द सीईओ एंड द एमडी ऑफ टेक जाइंट विप्रो लिमिटेड। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। In association with which organization UN's postal agency has released a commemorative stamp on 40th anniversary of smallpox eradication? किस संगठन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक अनुमूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? 5 ऑप्शन से हमारे पास ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ई वर्ल्ड बैंक। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यस, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 1980 मई में स्मॉल पॉक्स से दुनिया इरेडिकेट हो गई थी। ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन में आया था दैट द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल हैव वन फ्रीडम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। 1967 में WHO ने स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन लॉन्च किया था। ये कैंपेन तकरीबन 13 साल चला और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, हेल्थ वर्कर्स, उनकी बहुत 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 मेहनत लगी कि वो लिटरली हर लोगों को ये वैक्सीन दे रहे थे ताकि पूरी दुनिया इस बीमारी से पीछा छुड़ा सके। और फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स 1980 में ये बीमारी पे पूरी दुनिया ने हमने जीत हासिल कर ली। इसी की 40वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए WHO ने और UN की जो पोस्टल एजेंसी हैं, इन्होंने मिलकर एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया है टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी। मैं आपको बता दूं कि पहले जब ट्विटर, फेसबुक ये सब कुछ भी नहीं था, तब पोस्टेज स्टैम्प के थ्रू लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही थी कि ऐसी ऐसी बीमारी, एक जानलेवा बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है और इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। भले ही वो लोगों की जान भी नहीं ले, बट वो लोगों की ज़िंदगियां काफ़ी हद तक ख़राब कर सकती है। जैसे कि पोलियो है, वो लोगों की जान नहीं लेती वो, लेकिन वो लोगों को उनका आधा हिस्सा लगभग पैरालाइज कर देती है और उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ चलिए बढ़ते हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। ग्यारहवा क्वेश्चन, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हुज टर्म एज द FIH प्रेसिडेंट हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल May 2021। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका FIH अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल May 2021 तक बढ़ा दिया गया है। 5 ऑप्शन से हमारे पास ए जियानी इन्फेंटिनो, बी थॉमस बैच, सी जयशाह, डी मोहम्मद मुस्त हुसैन या फिर ई नरेंद्र बत्रा। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 5 सेकंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई नरेंद्र बत्रा। FIH ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में 8 मई को कहा है कि नरेंद्र बत्रा विल रिमेन इट्स प्रेसिडेंट
टिल मई 2021 उनका जो टर्म है, और बाकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स का है उनका 2020 में टर्म ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब उसे अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है मई के लिए, बिकॉज ये कोरोना वायरस है, ये सब जगह फैल रहा है, इसीलिए इनके जो इलेक्शंस है वो अभी होंगे नहीं, और नरेंद्र बत्रा विल रिमेन एज द प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, ए 7 मई, बी 8 मई, सी 9 मई, डी 10 मई, या फिर ई 11 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज 9 मई। यस, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे हर साल 9 मई को मनाया जाता है। इस दिन, ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि ताकि हम जो हमारी नेचर है, हमारी जो इकोसिस्टम है उसका ध्यान रख सके, और जो तरह तरीके के जो हमें सुझाव मिलते रहते हैं कि उसे कैसे बचाया जाए वो हम फॉलो कर सके, ताकि ये जो बर्ड्स है ये जैसे लौट के आ रहे हैं या जा रहे हैं, इनका ये आना जाना लगा रहे, ऐसा नहीं हो कि हम अपने जो पर्यावरण है उसको इतना नष्ट कर दे कि ये जो बर्ड्स है वो आ ही नहीं पाए। इस साल का जो थीम था उनका 2020 का, वो ये था कि बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो चलिए जानते हैं कि मई में और इम्पॉर्टेंट डेज क्या हैं। पहले मई को है वर्कर्स डे, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे। इस दिन को महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे भी मनाया जाता है। 3 मई को है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। पहला संडे जो मई का है वो है वर्ल्ड लाफ्टर डे। पहला ट्यूसडे मई का है वर्ल्ड एस्थमा डे। 4 मई को मनाते हैं हम कोल माइनर्स डे एंड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। विद दिस चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? मातृ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, ए 2nd संडे ऑफ मे, बी 2nd मंडे ऑफ मे, सी 2nd ट्यूसडे ऑफ मे, डी 2nd वेडनेसडे ऑफ मे, या फिर ई 2nd थर्सडे ऑफ मे। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए 2nd संडे ऑफ मे। आई एम श्योर आप काफ़ी लोगों को ये पता होगा, काफ़ी लोगों ने कल यानी कि 10 मई को ये मनाया भी होगा। इस साल ये 10 मई को पड़ा टू एक्नॉलेज कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या निस्वार्थ करती है। एक माँ एक बच्चे की पहली दोस्त होती है, पहली टीचर होती है, और ज़िंदगी भर उसे रास्ता दिखाती रहती है, चाहे वो बच्चा सही हो गलत हो, लेकिन एक माँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। With this we come to the end of today's class. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप हमसे हमारे टेलीग्राम हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके मॉक टेस्ट वगैरह से रिलेटेड, हमारे वीडियो से रिलेटेड आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे यहाँ पर। आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। यहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई भी आपकी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप हमें इंस्टा मैसेज या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम चेष्टा करेंगे उसे मैक्सिमम हम सॉल्व करें। और हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है प्ले स्टोर में, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो हम पढ़ा रहे हैं आपको डेली एंड मंथली क्विजेस मिलेंगे, जिसके तहत आप अपने प्रेपरेशंस रिवाइज कर सकते हैं कि आपको कितना याद है, और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वेकेंसीज है उसकी आपको अलर्ट्स यहाँ पे मिलेगी ऑल इन वन प्लेस। तो प्लीज़ इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमें ज़रूर रेट कीजिएगा। और आज की जो क्लास है उसका PDF विद एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएगा। आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।